जय श्री राम। तो फोटो देखकर आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा आज क्या बनने वाला है। जी, आज नान खटाई बनने वाली है, सबकी फेवरेट कुकीज़। तो हाँ, आपको पसंद तो होगी ही, डेफिनेटली सबको पसंद होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हमने गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख दी है। अब उसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ना, आपके पास अगर यूज़ किया हुआ नमक है तो आप वही यूज़ कीजिएगा। हमारे पास यूज़ किया हुआ नमक नहीं था, इसलिए हमने ये फ्रेश वाला नमक डाला है। और इसे ना अच्छे से हमें ये जो कढ़ाई है ना उसके अंदर फैला लेना है, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा फैलाओगे उतना अच्छा रहेगा। और इसके अंदर हम एक रख रहे हैं हॉट पॉट स्टैंड होता है ना, यानी कि जिसके ऊपर हम गर्म चीज़ें रखते हैं वो स्टैंड होता है, वो रख देना है। और इसे अब हमें थोड़ी देर के लिए प्री हीट होने देना है, करीब 10-15 मिनट के लिए प्री हीट होने दीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा देर रखेंगे क्योंकि नमक जो है ना वो फ्रेश है, इसलिए। अब तब तक क्या करते हैं, हमने एक भगोना लिया है, पतीला लिया है। अब उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं एक बोल घी, और सेम बोल का नाप के अनुसार हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर शक्कर। अब इन दोनों को ना अच्छे से विस्क करना है, यानी कि बहुत ही अच्छे से इसे फेंटना है। अब एक और ट्रिक दिखाती हूँ आप लोगों को फेंटने की, हाथों से ना करना हो ना या फिर विस्कर से ना करना हो तो आप इसे ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, ये बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा। तो 5-7 मिनट के लिए इस तरह से ब्लेंडर इसके अंदर घुमा दीजिएगा, एकदम फ्लफ़ी टेक्सचर आ जाएगा और थोड़ा सा वाइट हो जाएगा ये। तो जब वाइट हो जाए ना तब समझ जाना कि ये ना अच्छे से फेंट चुका है। और ये देखिए एकदम वाइट टेक्सचर आ गया ना इसका, तो ये थोड़ा सा ना गाढ़ा भी हो जाएगा, जितना रनी कंसिस्टेंसी पहले होती है उससे थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, और सेम 1 टीस्पून जितना हम ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग करना है तो इसके लिए ये दोनों की तो ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून जितनी इलायची पाउडर, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा, ज़्यादा ना पसंद हो तो मत डालिएगा, ठीक है। और ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल, इसे मिला देना है। और अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 1.5 बोल, मतलब जो बोल से हमने घी और शक्कर डाली थी ना उसी बोल से आप मैदा भी डाल दीजिएगा, 1.5 बोल डालना है। और 1 चम्मच जितना हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन। और फिर इसके अंदर हमने टूटी फूटी ऐड करी है जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, तो आपको अगर पसंद हो तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। अब क्या करना है, विस्कर में ना अच्छे से मिलाया नहीं जाता है, थोड़ा सा ये चिपक जाता है अंदर, तो हम हाथों से इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हाथों से करेंगे ना तो क्या होगा कि जो मसाला है ना वो कहीं एक साइड पे रह गया होगा तो वो भी अच्छे से इवनली सारे के सारे बैटर में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा कुकी का जो डो है वो तो बन चुका है। इस तरह से बनना चाहिए कि अगर आप इसका एक लड्डू बनाओ और तोड़ो ना तो ये एकदम इवनली टूटना चाहिए, बिखरा बिखरा सा नहीं रहना चाहिए। तो ये इसके अब हम छोटे छोटे से पेड़े बना देंगे। अब हम कुकीज़ बना रहे हैं, आपको अपने अनुसार इसका शेप देना है तो वो भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे गोल जैसे रेगुलर होती है वैसी ही बना रहे हैं। एक प्लेट में हमने बेकिंग पेपर रख दिया है, अब उसके ऊपर हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो सबसे पहले सारे पेड़े बना के रेडी कर देंगे, छोटे बनाने हो तो छोटे भी बना सकते हैं और बड़े बनाने हो तो बड़े भी बना सकते हैं, पर याद रखिएगा इनके बीच में ना गैप अच्छे से रखिएगा, वरना फिर ये एक साथ चिपक जाएगी और अच्छे से इनको फूलने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगी। अब सारे हमने यहाँ पे पेड़े तो बना दिए, अब इसके ऊपर ना हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा देना है। आप चाहे तो लगाइए, वरना फिर आप इलायची पाउडर भी लगा सकते हैं या और कुछ भी रख सकते हैं, जैसे बादाम का बड़ा सा टुकड़ा रख दिया, काजू का टुकड़ा रख दिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काजू, पिस्ता और बादाम इसकी छोटी छोटी सी कतरन कर दी है, तो वो लगा देना है इसके ऊपर। और क्या करेंगे हम, सारे के सारे पेड़े पे लगाकर अब इसके ऊपर एक टूटी फूटी भी रख देंगे, क्योंकि अच्छा दिखना भी तो चाहिए ना, एकदम सुंदर दिखेगी इससे हमारी नान खटाई, यानी कि कुकीज़ जो है वो। तो हर एक के ऊपर हमने छोटी छोटी सी टूटी फूटी 1 या 2 पीस इतनी लगा दी है। तो यहाँ हमारे सारे पेड़े जो है वो गार्निश हो चुके हैं, अब इनको कुक करना है, यानी कि बेक करना है। तो हर किसी के घर पे ना माइक्रोवेव या ओवन अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको गैस पे ही करके दिखा रहे हैं आपको।
तो हमने जो प्री हीट किया हुआ था ना नमक वाला जो कढ़ाई था उसको, अब उसको हमें 25 मिनट्स के लिए कुकीज़ को बेक करना है। तो 25 मिनट्स के बाद आप चेक करेंगे ना तो हमारी कुकीज़ जो है वो इस तरह से थोड़ी सी फूल जाएगी और थोड़ी सी स्प्रेड हो जाएगी। तो परफेक्ट शेप आ गया है ना इसका। आप जैसे भी बनाए, गोल बनाए तो गोल बनाना, स्टार बनाने तो स्टार बनाओ, हार्ट शेप की बनाने तो वैसे ही बना सकते हैं, पर ये थोड़ी सी फूल जाएगी तो इतनी सुंदर दिखेगी। अब आपको इसको चेक करना है तो ये देखिए, दिखा देती हूँ आपको कितनी क्रिस्पी और एकदम सॉफ्ट नरम बनी है ना, और बिल्कुल भी टूट नहीं रही है, एकदम अच्छे से स्मूथ बन गई है और पक भी गई है अंदर से अच्छे से। देख रहे हैं आप लोग, परफेक्ट नान खटाई कुकीज़ बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब हम इस सेम तरह से दूसरा बैच भी हम इसको बेक कर देंगे। तो सेम तरह से आप इसको रखते जाना, बीच में थोड़े थोड़े स्पेस भी रख देनी है और सेम 25 मिनट्स तक इसे कुक करना है। और कुक होने के बाद ये सारी की सारी कुकीज़ जो है वो बन जाएगी इतनी अच्छी। थोड़ा सा ना इसके ऊपर ब्राउनिश कलर भी आएगा तो आपको पता चले जाएगा कि ये कुक हो गई है। तो यहाँ हमारी सारी कुकीज़ बनकर रेडी हो चुकी है, इन्हें सर्व कर लिया है। कितनी ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ना, एकदम प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी कुकीज़। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताना कि आपको ये पसंद है नहीं है, आपने खाई है या नहीं खाई है। और आप बनाओगे तो ज़रूर ही ठीक देख लेना, अगर आपको पसंद होगी तो आप ज़रूर बना देना, हमें कमेंट करके बताना ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना हमारे चैनल को, आप जितना शेयर करोगे उतना ही आपको नए नए से रेसिपीज़ मिलती रहेगी। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर देना ठीक है। आप ये कुकीज़ ना सबको टिफ़िन में भी दे सकते हैं, इसको बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। को मिलते हैं हम एक नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, पर वो रेसिपी देखने के लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा और अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स सबको कह देना कि वो सब्सक्राइब कर दें नई रेसिपीज़ के लिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।